सिद्धार्थनगर जिले में राजनीति में एक अलग पहचान बनाने वाले सौदगढ़ से पूर्व विधायक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अमर सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका आगामी 7 तारीख को एक कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है उसके बारे में जानेंगे खुद विधायक जी से। विधायक जी, आपका पहले सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 7 तारीख को आपका, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, किस उद्देश्य है? जी, ये 7 तारीख को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ एक संकल्प यात्रा है, जो कि हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस यात्रा का, संकल्प यात्रा का प्रयोजन है कि देश के प्रधानमंत्री जी के करीबी लीगल एडवाइज़र, उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने देश के पवित्र संविधान को बदलने की बात की है। देश दुनिया ये जानती है कि उसमें आर्टिकल में संशोधन करने की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ तो देश के संविधान को ही बदलने की बात हो रही है। तो उसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने हर उत्तर प्रदेश के जनपदों में, देश के सभी अपने जगहों पर संविधान और आरक्षण बचाने के लिए एक यात्रा का आयोजन किया, कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के क्रम में सिद्धार्थनगर में भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कौन सर इसमें शामिल हो रहे हैं? और इस कार्यक्रम में बड़े अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आ रहे हैं। अभी हाल ही में सर आपको लोकसभा डुमरियागंज सीट से लोकसभा प्रभारी बनाया गया है, और आपने वहाँ जनसंपर्क भी किया था, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे। जो विपक्ष हैं वो कुछ ज़्यादा ही उस पर उनकी टिप्पणी थी, मगर इस बार जो आपने कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना समर्थक मिलेगा और कैसी रहेगी? अब हम तो विलेज टू विलेज, गांव में हर विधानसभा वार दौड़ा करके लोगों को अवगत कराए हैं, अनुरोध किए हैं देश के, गाँव के, जिले के सभी सम्मानित नागरिकों से कि ये जो हमारा देश का पवित्र संविधान है, जिनमें 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को निहित किया गया है, परम पूज्य बाबा साहब ने जो पवित्र संविधान बनाया है और उसको बदलने की बात सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार, तो उसको लेकर के अब इसको, अपने संविधान को और संविधान में अपने अधिकार को बचाने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में दिनांक 7 सितंबर को 10 बजे जिला कारागार के सामने प्रांगण में लोग एकत्रित होंगे, और यहाँ से जोगिया उदयपुर होते हुए बांसी विधानसभा, बांसी होते हुए डुमरियागंज, डुमरियागंज से इटवा में समापन सभा करेंगे। और इसमें मुझे लगता है कि जनपद सिद्धार्थनगर से और अगल बगल से जो भी संविधान के प्रति, देश के प्रति, बाबा साहब के प्रति, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रति अपने आप को समर्पित किए हैं, जिनकी सोच पार्टी के प्रति है, वो जरूर आएंगे। तो ये थे हमारे साथ सौदगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। इन्होंने जैसा कि बताया कि जो आगामी 7 तारीख को इनका कार्यक्रम है, ये उम्मीद करते हैं कि जनसैलाब एक हो और इस संविधान बचाओ जो यात्रा है इनका, ये सफल हो। लगातार ऐसे ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए तौहीद खान जर्नलिस्ट सिद्धार्थनगर से।